जय भरनाथ साथियों, मैं हूं आपका लवली दोस्त पूरनचंद ठाकुर। और साड़ी जाज का सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो नगर में साड़ी जाज होता है, बहुत प्राचीन मंदिर है माता त्रिपुरा सुंदरी के, और यहां पे हर वर्ष का भांति इस साल भी धूमधाम से जो है यहां पे जैसे कि जाज मनाया गया। तो इस मौके में हमारे कांगड़ा से जो मेहमान आया है, जिसे कांगड़ा की माता चमुंडा कुल्लू से ही गए हैं कांगड़ा में लगबेली से, और जो भी कांगड़ा में जो माता के कोई जो भी कार्य होता है वो होता है लगबेली माता भागासित की परमिशन से, यानी कि आज्ञा से। तो कांगड़ा से यहाँ पे आए पूजित भंडारी जी और बाबा त्रिलोकीनाथ जी, और साथ साथ में सविन सेन जी, नाम खुद ही बताएंगे सर आपका शुभ नाम। सविन सिंह, बाई प्रोफेशनल क्या करते हैं आर्मी का। ये है जी हमारा देश का सेवक और सेवानिवृत्त कर चुके हैं, तो इनके लिए तो गर्व की बात है। साथ में हमारे साथ है मैम जी सपना ठाकुर जी है। क्या बात है, अति सुंदर नेम है आपके। और सर आपका शुभ नाम। चमनलाल ठाकुर मनाली से। और सभी जानते हैं मनाली का जो चेयरमैन है भाई चमन कपूर जी है, उनके मित्र है जी चमन ठाकुर जी। और भाई आपका बालकृष्ण जी। क्या बात है ये तो बहुत ही उत्तम उत्तम अति उत्तम सुंदर नाम है। और सब आपने नमस्कार, देवता भगवान कांगड़ा से पूजन भंडारी एक समाज सेवी हूँ और बहुत से संस्थाओं से जुड़ा हूँ और बहुत से अच्छे से यहाँ काम करते हैं। रंग दाता हूँ, जब भी किसी गरीब को बीमार गरीब को कभी रक्त की जरूरत पड़े, खून की जरूरत पड़े, तो जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अपना खून दान कर सकता है। और एक बात और, किसी के घर में कभी भी कोई जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, कोई भी खुशी का मौका हो, तो एक पौधा जरूर अपने घर में या आसपास कहीं लगाए, जिससे हमारे अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। धन्यवाद। क्या बात है अति सुंदर संदेश था कि ब्लड हमें जो हमारा रक्त है उसको दान करना चाहिए, और अति सुंदर मैसेज इनका। और साथियों आपने वीडियो जरूर शेयर करना है, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छी शब्द बोला है जो कि हम सभी का काम आने। एक मैसेज और देना चाहूँगा, जो लोग खासकर जो बार्बर लोग हैं, जो नाई का काम करते हैं या जिनका ब्यूटी पार्लर है, जो ब्लेड यूज करते हैं शेव करने के लिए, कृपया वो ब्लेड को किसी डिब्बे में डालें, इधर उधर कूड़ेदान में ना फेंके, क्योंकि हमारे अगर आवारा पशु या जो बेसहारा पशु है वो इधर उधर घूमते हैं और कभी भी उनके मुंह में वो चीज जो ब्लेड उनके मुंह में जा सकता है और उनका नुकसान हो सकता है। तो कृपया करके जब भी कोई ब्लेड के घर में यूज करते हो या शो में यूज करते हो, तो उन ब्लेड को इकट्ठे करके धरती में 2 या 3 फुट नीचे उनको गहरा दबा दे, वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। क्या बात है बहुत ही सुंदर, हमें इससे जो है सीखने को मिला, बहुत कुछ आपको भी सीखने को मिला होगा। और साथ में है जी आचार्य जी वेद आचार्य, जो कि सेवानिवृत्त हुए, जो कुंभ में काफ़ी लंबे समय से सेवा कर रहे थे। और साथ में हमारे मनाली से जी मनाली ऑल मनाली महिला मंडल के प्रधान सुषमा ठाकुर जी, जो कि एक नगर ब्लॉक के हमारे जितने भी महिला मंडल्स हैं उन सबकी मैं उपाध्यक्षा हूँ और बेटिया फाउंडेशन की भी उपाध्यक्षा हूँ। क्या बात है। और हमारा साथ है जी सुमन कारपा जी। नमस्कार, मैं तो ये कहना चाहूँगी डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ। क्या आउटस्टैंडिंग ये पे बहुत अच्छे रिपोर्टर होते थे ट्रैवलर्स के, और बहुत अच्छा इनका स्पीकर, बहुत अच्छा स्पीकर क्या बोलते हैं एंकर भी है इनका, आप सुन सकते हो 4 साल बैक जाके, 5 साल जो कि भूतकाल में जाके, बहुत अच्छा मैं सुनता हूँ सबका। और बाकी सभी मेरे को जानते ही हैं, तुलोक बाबा जी हैं, तुलोक बाबा जी भी कुछ संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम बाबा तुलोकनाथ है, मैं पालपुर विधानसभा क्षेत्र के चवंडा देवी से हूँ और बेटिया फाउंडेशन में स्टेट यूथ ऑफिसर हूँ, करनी सेना में मैं प्रदेश का प्रवक्ता बनाया गया हूँ। और समाज के लिए हम जितने भी कंचे हो रहे हैं तो समाज के क्षेत्र में सबका विशेष अहम योगदान होता है और सभी काम करते हैं समाज के हित में, जैसे हमारे रिपोर्टर जी हैं ये भी काफ़ी समाज सेवी हैं, हमारे साथ चमन लाल जी हैं, जितने भी हैं कुल्लू से हो मनाली से हो, सभी एक काम कर रहे हैं, सभी ने मिल करके काम करना है और गरीबों का भला करना है। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया संदेश इस वक्त जो है एक फर्जी गरीब है, एक वैसा जो है पूजन भंडारी की तरफ से एक और भी है, जितना समर्थ हो
बहुत से लोग हैं जिनको जरूरत है किसी न किसी चीज़ की। मैं खुद गरीब लड़कियाँ जो जिनका परिवार बहुत सहारा नहीं होता है, 75 लड़कियों को मैं लोगों की सहायता से उनकी शादी में उनके लिए मैं हेल्प कर चुका हूँ। हमारे बाबा त्रिलोक नाथ ये भी काफ़ी लड़कियों को हेल्प कर चुके इस तरह से। तो मैं कोशिश यही सबसे कहना चाहूँगा, ये मैसेज है, जब भी जितना समर्थ जिसका हो किसी न किसी मदद के लिए वो आगे जरूर आए, चाहे मदद वो किसी राशन की हो, शादी में किसी तरह हेल्प की हो, दवाइयों की हो, या फिर खून रक्तदान की हो। तो हमेशा दान के लिए, हमेशा मदद के लिए, हमेशा आगे आए जितना जिसका समर्थ हो। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इनको सुन के बहुत अच्छा लगा कि परमात्मा जो है एक दिव्य आत्मा को जो इस धरती में भेजा है कि परमात्मा ने बोला कि तू पुजित भंडारी, तू जा धरती में जाकर तू सेवा कर। तो इस वक्त हम बैठे हैं समाज सेवी मीराचार्य के उनके अपने स्थान में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी यहाँ पे। तो सभी बोलेंगे जय माता त्रिपुरा सुंदरी की। जय माता त्रिपुरा सुंदरी की। जय माता जी। जय जय और यहाँ पे मैडम जी है। मैं संजना भंडारी बोल रही हूँ, नुगरोटा बगवा से आई हूँ मैं, और मेरा भी अपना महिला मंडल है, सहयोग महिला मंडल, मैं उसकी प्रधान हूँ। तो हमारा भी कीर्तन खूब मजे से होता है और सारी जगह हम पार्टिसिपेट भी करते हैं। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, जितना नाम नाम इतना अनमोल नाम है कि सजना। क्या बात है, क्या बात है। तो वीडियो को जरूर शेयर करें। जय भोलेनाथ, जय माता दी।